दोस्तों कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप 2022 में मंगलवार को इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दो बार विश्व विजेता रही अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया, जिसकी तारीफ चारों ओर हो रही है। और इस बार तारीफ बल्कि जो है वहां गल्फ कंट्री से लेकर तमाम वो देश कर रहा है, जिसके खबर अखबार में पूरी प्रमुखता से इन खबरों को छापा गया है। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि कैसे जो है सऊदी अरब के फुटबॉल जीतने पर तमाम देशों की मीडिया किस तरीके से देख रही है, क्योंकि मैच के शुरुआत में ही अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने पेनल्टी किक का फायदा उठाते हुए एक गोल दाग दिया था, लेकिन सेकेंड हाफ में सऊदी अरब की ओर से सालेह अल शहरी और फिर सालेम अल दसारी ने एक के बाद एक दो गोल किए और फिर अर्जेंटीना के हाथ से ये मैच निकल गया। इस मैच के शुरू होने से पहले तक विश्लेषक मान रहे थे कि अर्जेंटीना का ये पहला मैच वो बेहद आसानी से जीत जाएगी, लेकिन जो नतीजा आया उसने फुटबॉल फैंस और खेल के जानकारों को हैरान कर दिया, अचंभित कर दिया, क्योंकि वो हो गया इतिहास में पहली बार जिससे कभी किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि सऊदी अरब के लिए ये जीत बहुत बड़ी है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के जीत में, जी हां, सऊदी अरब की जीत के बाद जश्न सार्वजनिक कर दिया गया है, छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और पूरे सऊदी में जश्न मनाया जा रहा है। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि खाड़ी के सभी देशों में इस जीत को अप्रत्याशित मान रहे हैं। यहां से निकलने वाले अखबारों ने इस मैच की बढ़ चढ़कर कवरेज की है और इसे इतिहास में दर्ज होने वाला मैच भी बना दिया है। दुबई से निकलने वाला अखबार खलीज टाइम्स लिखता है कि मंगलवार को जब अर्जेंटीना मैदान में उतरी तो उसके पास लगातार 36 महीने तक कोई भी मैच ना हारने का आत्मविश्वास था और आज वही आत्मविश्वास इसे ले डूबा, क्योंकि अर्जेंटीना को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि बीते 28 सालों में एक भी वर्ल्ड कप मैच ना जीत पाने वाला सऊदी अरब उसके इस विजय रथ को रोक देगा। अखबार लिखता है कि सऊदी अरब के फैंस के लिए ये जीत का जश्न लंबा अरसे तक चलने वाला है। एक अरब फैन ने खलीज टाइम से कहा कि हम इतिहास लिख रहे हैं, हम पूरी रात इसका जश्न मनाते रहेंगे, ये जीत ऐतिहासिक है सऊदी अरब वासियों के लिए। कासिम नाम के एक फैन ने कहा कि मैं आज के बारे में बात नहीं कर सकता, ये इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने मैच जीता है, इस तरह का दिन फिर कभी नहीं आएगा हमारे मुल्क के लिए। अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमों में गिनी जा रही थी दोस्तों, और ऐसे में पहले ही मैच में सऊदी अरब का उसे हरा देना खाड़ी देश और सऊदी फैंस के लिए सातवें आसमान पर पहुंचा देने वाली खुशी देने जैसा है। आपको बता दें कि अखबार के संवाददाता अपना अनुभव बयान करते हुए लिखते हैं कि भले ही ये मैच अर्जेंटीना के फैंस के दिल तोड़ने वाला रहा है, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना के फैंस को जब भी रिपोर्टर बात करने के लिए रोकते हैं तो वो बड़ी शालीनता के साथ रुक रहे थे। अर्जेंटीना के एक फैन वाकिन ने खलीज टाइम से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सारे खिलाड़ियों को ये यकीन था कि वो ही जीत जाएंगे, मैसी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं थे, उनके टखने में दिक्कत थी, अर्जेंटीना को लग रहा था कि वो ये मैच बीते सभी मैचों की तरह जीत जाएगी, लेकिन ये विश्व कप है और यहाँ मैच पलटते वक्त नहीं लगता है। अपनी बात खत्म करते हुए वाकिन ने सऊदी अरब की टीम को जीत की तहे दिल से बधाई दी। दोस्तों खाड़ी देश के मशहूर चैनल अल जजीरा ने भी इस जीत को लिखा कि मंगलवार का दिन अरब जगत के लिए बेहद खुशी वाला दिन था, और तो और सऊदी अरब ने स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी वाला अर्जेंटीना टीम को 2-1 से हराया। इस मैच से पहले सऊदी अरब ने विश्व कप में महज 3 मैच ही जीते हैं और वो भी आज से 28 साल पहले, लेकिन 28 साल बाद वो अर्जेंटीना को हराता हुआ नजर आ रहा है और उसकी जीत साफ तौर पर सऊदी और गल्फ कंट्री में देखने को मिल रहा है। पहले सऊदी अरब ने इतिहास रचा और उसके कुछ ही घंटों बाद ट्यूशिनिया के डेनमार्क के साथ जबरदस्त मैच खेला और ये मुकाबला बिना गोल के ड्रॉ कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि एजुकेशन सिटी स्टेडियम में ट्यूनिशिया और डेनमार्क के मैच के दौरान नजारा बेहद दिलचस्प था, क्योंकि ट्यूनिशियन फैंस लाल सफेद रंग की पोशाक में इतने उत्साहित नजर आ रहे थे और भारी तादाद में थे कि डेनमार्क के फैंस को स्टेडियम में तलाशना पड़ रहा था कि डेनमार्क का फैंस है कौन। जब भी कोई ट्यूनिशियाई खिलाड़ी अगर बॉल छूता भी तो उनके फैंस उसे चीयर करते हुए नजर आते, तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंज उठता।
सऊदी अरब बनाम अर्जेंटीना के मैच को लेकर अल जजीरा ये भी लिख रहा है कि 7 बार बेलन डी और जीतने वाले लियोनल मेसी जोश से लबरेज सऊदी खिलाड़ियों के आगे अर्जेंटीना की मदद नहीं कर सके। जब रेफरी ने मैच खत्म करने के लिए सीटी बजाई तो मेसी निराशा से डूबा चेहरा लेकर ग्राउंड से वापस नजर जाते हुए दिखाई दिए। वहीं सऊदी अरब ग्राउंड में अपने ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है। अबू धाबी से प्रकाशित होने वाला अखबार द नेशनल लिखता है कि अखबार को जद्दा की दुकानें, कैफे, दफ्तर सऊदी के राष्ट्रगान से गूंज उठा। सऊदी अरब की अर्जेंटीना पर जबरदस्त जीत से पूरा देश मानो जश्न के रंग में डूबा हुआ है। कुछ लोग सड़कों पर गाना गा रहे थे तो कुछ हाथों में सऊदी का झंडा लिए जश्न मना रहे थे तो कुछ लोगों को सड़क पर मिठाई बांटकर अपनी खुशी कर रहे थे कि हम जीत गए, हमारी टीम जीत गई और हमारी टीम ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे ही एक सऊदी फैन ने द नेशनल अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी आंखों में आंसू हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मैच था और इस मैच को हम जीत चुके हैं। सऊदी अरब के स्कूलों में मैच लाइव दिखाया गया और तो और स्कूल में मैच देखने वाले छात्र ने अखबार से ये भी कहा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा एहसास हुआ है, मुझे अपने देश, अपनी टीम पर पूरा गर्व है। उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ एक चैंपियन की तरह खेला, उन्होंने मेसी और दुनिया के दबाव में खुद को हावी नहीं होने दिया और एक बेहतरीन गोल के साथ उन्होंने अपनी जीत इतिहास में दर्ज करा ली। सऊदी अरब की सड़कों पर जीत के बाद फैंस खिलाड़ियों के नाम के नारे और देश का झंडा लहराया जा रहा है, यहां तक कि दफ्तरों में भी जश्न मनाया जा रहा है। रियाद से छपने वाला अखबार अरब न्यूज ने जीत को हीरोइक जीत का नाम दे दिया। अखबार लिखता है कि लुसेल स्टेडियम्स में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर दुनिया को हैरान कर दिया, दुनिया को चौंका दिया। कोच हर्व रेनार्ड के मुताबिक नेतृत्व करने वाली टीम सऊदी अरब पहली अरब या एशियाई टीम है जिसने 2 बार की विश्व विजेता अर्जेंटीना को टूर्नामेंट से हराया है। यह जीत फीफा विश्व कप के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक के रूप में दर्ज होगा। टीम के कोच रेनार्ड ने मैच के बाद कहा कि हमने सऊदी अरब फुटबॉल के लिए इतिहास रचा है और यह जीत हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। अर्जेंटीना की ओर से पेनाल्टी शूट का फायदा उठाते हुए मेसी ने 10 मिनट में ही एक गोल कर टीम को बढ़त दिया था और सेकेंड हाफ में लोरेटो मार्जिनो ने गोल दागा लेकिन वो ऑफसाइड साबित हुआ। इसके बाद सऊदी अरब 48वें से 53वें मिनट पर गोल किए और टीम के नाम इतिहास दर्ज कर लिया। दोस्तों सऊदी अरब ने अर्जेंटीना के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज करके बुधवार के लिए राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब आज के दिन सऊदी अरब में सरकारी छुट्टी मनाया जा रहा है और लोग जश्न मना रहे हैं। सऊदी किंग सलमान ने यह ऐलान किया कि सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को इस जीत की खुशी में छुट्टी मिलेगी और स्कूल भी बंद रहेंगे। बच्चों का भी खुशी से कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है, बच्चे भी खुशी से सड़कों पर झूम रहे हैं और अपने देश के लिए चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रॉयल कोर्ट के सलाहकार और सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के प्रमुख तुर्की अल शेख ने ट्विटर पर घोषणा की कि शहर के सबसे बड़े थीम पार्क और मनोरंजन केंद्रों में एंट्री फीस भी माफ कर दी जाएगी और प्रवेश एकदम निःशुल्क होगा। मैच की अंतिम सीटी बजते ही सऊदी की राजधानी रियाद में जश्न की लहर दौड़ गई और फैंस ने अचानक डांस करना शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर कारों की खिड़कियों से राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि इटली में 1990 विश्व कप के दौरान भी एक अफ्रीका की अर्जेंटीना पर जीत के बाद इसी तरह राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया था। जीत के बाद सऊदी अरब में फैंस जश्न मना रहे हैं और एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सऊदी के फैंस अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी का CO बोलकर चिढ़ा रहे हैं। और तो और मेसी का जश्न मनाने का एक खास तरीका भी है जिसमें वो ऊंची छलांग लगाते हैं और CO चिल्लाते हैं, इसका मतलब स्पेनिश में हाँ होता है। लेकिन अब वो हाँ हाँ बोलकर सऊदी के फैंस उन्हें चढ़ा रहे हैं। फैंस अर्जेंटीना की हार के बाद इसी की नकल करने लगे और सऊदी के फैंस का एक और वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मैच खत्म होते ही फैंस उठे और नाचने लगे, एक ने तो घर का दरवाज़ा उठाकर बाहर फेंक दिया। इस तरीके के तमाम वीडियो सऊदी से निकल कर सामने आ रहे हैं जिस पर खूब सारा रिएक्शन भी आ रहा है और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की इस जीत पर, इस खुशी पर पूरा गल्फ कंट्री झूम रहा है और नाच रहा है। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।